टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी यूपी टेट के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको, इसके पहले तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने एक दिन एक वीडियो मैंने रस के बारे में बताया था आपको क्या है, उसके बाद मैंने आपको मुहावरा के बारे में बताया था और यह प्रयास किया था कि आप मुहावरा जो है निकालना स्वयं से जान जाए, ये प्रयास किया था और आशा करता हूं कि इसमें आप कुछ लोग मेहनत करके फलीभूत हुए हो रहे होंगे। आज जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, यानी मुहावरा का जो एक पार्ट होता है उसे कहते हैं लोकोक्ति, कहते हैं क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति क्या है, बहुत सारे लोकोक्ति को ही क्या कहते हैं, कहावतें भी कहते हैं, लोकोक्ति अथवा कहावत। ठीक है, यहां पर लोकोक्ति क्या होती है पहले इसको देखा जाए तो यहां समझा जाएगा कि लोकोक्तियां क्या होती हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए लोकोक्तियां क्या है, यह लोक धन उक्ति से बना हुआ शब्द है, लोक धन उक्ति से बना हुआ यह शब्द होता है। लोक का अर्थ क्या होता है, संसार होता है, आपको पता है लोक का अर्थ संसार, या आप सामान्य रूप में कहते हैं लोग कहते हैं, लोक का अर्थ संसार या लोग कहिए या जनता कहिए, कुछ भी आप कह लीजिए। उक्ति का अर्थ होता है वचन होता है, उक्ति का अर्थ क्या, वचन होता है या कथन होता है। अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि संसार में जो भी वचन बोले जा रहे हैं या लोगों के द्वारा जो भी कथन कहे जा रहे हैं वो सभी लोकोक्ति हुई। तो क्या सभी लोकोक्ति ऐसा है, संभव है कि आप जो भी कहें वह लोकोक्ति होगा, हम जो भी कहें वो लोकोक्ति होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, चलिए अभी बताते हैं। इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं, कहावतें कहते हैं, कहावतें कहते हैं। देखिए कहावतों को उर्दू में क्या कहा जाता है, मशल कहा जाता है, कहावतें उर्दू में इसको मशल कहा जाता है। कहावतें क्या है, अगर हम शाब्दिक रूप से कहें तो कही गई बात ही क्या होती है, कहावत होती है। तो क्या फिर वही प्रश्न आता है कि क्या सभी कही गई बातें कहावतें हैं, अगर हैं तब तो कोई बात नहीं, तो नहीं है तो क्यों नहीं है, वही प्रश्न जो लोकोक्ति में प्रश्न हुआ यही प्रश्न यहां पर हो गया। यानी ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो लोकोक्ति अथवा कहावतों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि इस कायनात में जो भी वचन बोले जा रहे हैं या कथन कहे जा रहे हैं उसको हम लोकोक्ति अथवा कहावतें नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रयोग सिद्ध नहीं है। क्या नहीं है, प्रयोग सिद्ध नहीं है, प्रयोग सिद्ध नहीं है कि यानी इसका सिद्धिकरण नहीं हुआ है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब प्रयोग ही नहीं हुआ है तो फिर इसकी सिद्धिकरण की क्या बात होगी, यानी वो गलत हो सकता है। और यह कहा जाता है कि लोकोक्ति हुई या कहावतें हुई ये गलत नहीं होती हैं, ये क्या सही होती हैं, यानी ये गलत हो ही नहीं सकती हैं। जिस प्रकार से आप साइंस में प्रयोग करते हैं, अगर आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत देखना है तो आपको प्रयोग करना है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे है, उसको हम जब विज्ञान पढ़ते हैं तो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, हम पानी बनाते हैं तो प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो पानी बनाते हैं, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो नहीं ठीक है। तो हर एक तत्व को बनाने के लिए हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो लोकोक्तियां हैं या कथन हैं या जो कहावतें हैं उसको हम प्रयोग सिद्ध करते हैं, किस में, मानवीय रूपों में। मानवीय रूपों में अगर यह सही है तब तो आपकी लोकोक्ति हुई या कहावत हुई, अगर प्रयोग सिद्ध नहीं हुई तो यह कहावतें या लोकोक्तियां नहीं हुई, क्योंकि ऐसे
तो तमाम लोग कहेंगे वो कहावत बन जाएगी या लोकोक्ति बन जाएगी। तो इसको प्रयोग सिद्ध किया गया है, और ये प्रयोग सिद्ध कैसे होता है, यह अनुभव की देन है, यानी अनुभव के आधार पर उस क्षेत्र के विद्वजनों के द्वारा जब प्रयोग किया गया, इनको अप्लाई किया गया, अगर उसमें सिद्ध हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो वही लोकोक्ति या कहावतें कही जाती हैं। तो इसको जो है लोकोक्ति अथवा कहावतों को अनुभवों का पिटारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभवों का पिटारा भी कहा जाता है। इसलिए अगर कभी पूछा जाए कि अनुभवों का पिटारा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लोकोक्ति अथवा कहावतों को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव के द्वारा यह जन्य होती हैं। जब तक आप इसको अनुभव नहीं करेंगे, तब तक यह सिद्ध नहीं होगी। तो संसार में कही गई बातों को प्रयोग सिद्ध होता है, यानी लोक संसार में प्रयोग सिद्ध हुआ, और प्रयोग सिद्ध पर वह खरा उतरा, वह सही उतरा, तो उसी को हम कहावतें कह दिए। कहावतें क्या होती हैं? यह जीवन को शिक्षित बनाती हैं, जीवन को ज्ञान देती हैं, यानी मार्ग प्रशस्त करती हैं कि हम गलतियां ना कहें। ये कहावतें अथवा लोकोक्तियां भी करती हैं। तो ये केवल ये ही नहीं है कि बस ये कह दिया गया, इससे आपको गलतियों की सीखने, गलतियों को ना करने की प्रेरणा मिलती है कि आप गलतियां ना करें। आप कोई भी कहावत देखेंगे, कोई भी लोकोक्ति देखेंगे, तो आपको उसके अर्थ, लगभग उसके अर्थ उसी में रहते हैं। बहुत इसमें मुहावरों की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें पूरा वाक्य रहता है। जो लोकोक्तियां होती हैं, इसमें क्या होता है? पूरा वाक्य रहता है, इसलिए अर्थ को निकालना आसान होता है। और मेरा उद्देश्य क्या है कि आप इसको रटिए मत, आप हमेशा समझने का प्रयास करिए। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर सारी समस्या दूर। दिक्कत कहां है कि आप समझते नहीं हैं, आप रटते हैं, और जब भी रटने का प्रयास करेंगे तो इतने मुहावरा, इतनी लोकोक्तियां आपको मिलेंगी, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहली चीज, आप अगर कभी ऐसा पूछा जाता है कि लोकोक्तियां आप एक सामान्य रूप से मुहावरों की अपेक्षा बड़ी होती हैं, और यह पूरे वाक्य में प्रयोग होती हैं, यानी वाक्यगत होती हैं, वाक्यांश नहीं होती हैं, बल्कि पूरा वाक्य होती हैं, और इनका प्रयोग जो होता है वह स्वतंत्र होता है। इनको वाक्य के अंतर्गत आप प्रयोग नहीं करते हैं, किसी कथन के अंतर्गत प्रयोग ये मस्ट नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से आप प्रयोग करेंगे। लेकिन मुहावराएं जो होते हैं उनको हम वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो ये जो है, आपको बेसिक कुछ अंतर भी आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर हम ये प्रयास करेंगे कि आज भी आपको कुछ, मैंने वही लिया है, यहां कहावतें या लोकोक्तियां मैं आज भी वही लिया हूं जो पूछे हुए हैं। तो इससे आपको ये लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस पूछा गया है, और इसका अर्थ कैसे निकाला जा रहा है आप सामान्य तौर पर जान जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो एक तर्क के आधार पर उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जब तर्क के आधार पर सॉल्व करेंगे तो वो चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, वो चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ जाए। तो चलिए आज भी उस सेशन को हम देखते हैं कि जो आए हुए प्रश्न हैं, और उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आज जो, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, अब ये जो है कि पहला ही देखिए क्या लिखा है, आंख एक नहीं कजरोटा दस दस, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख एक नहीं कजरोटा दस दस, आप देखिए यूपी टेट एग्जाम 2016 में ये क्या है पूछा गया है। तो मेरा अपना जो ये सुझाव है कि रटिए कम और समझिए ज्यादा। आंख एक नहीं कजरोटा, आंख एक भी नहीं है, कजरोटा क्या है? दस दस, जब आंख ही नहीं है तो कजरोटा रखने की कोई बात ही नहीं। कजरोटा मतलब होता है जिससे काजल लगाया जाता है, ठीक है। तो व्यर्थाडंबर, इसको देख भी लिया जाए, चारों देखिए, आंख में काजल लगना ये होगा नहीं,
आंख की देखभाल करना ये भी होगा ना, लाइलाज बीमारी ये होगा ना, तो क्या है? व्यर्थ आडंबर यानी बाहरी दिखावा, झूठा प्रदर्शन। जब आंख है ही नहीं तो कजरौटा 10-10 रखने की क्या आवश्यकता है आपको है, यानी आप बाहरी दिखावा कर रहे हैं या झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं या व्यर्थ आडंबर की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप स्वयं से थोड़ा सा प्रयास करिए निकालने का। अगले क्वेश्चन पर जाने, यानी अगला क्वेश्चन कहता है खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ बताइए। खग जाने खग ही की भाषा, यानी खग जाने खग मतलब पक्षी, खग ही की भाषा, खग ही की यानी उसी की भाषा जानता है, खग उसी की भाषा जानता है। देखिए पक्षियों की भाषा जानना ऐसा कुछ भी नहीं है, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहाते हैं देखा जाता है, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं यह भी गलत, पक्षियों की तरह बोलना यह भी गलत। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नजदीकी मामला आता है लेकिन आपको प्रायः क्या हो जाते हैं, अलग मिल जाते हैं। तो समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा, यानी जो समान प्रवृत्ति का होगा समान विचार का होगा उसी की वो बात करेगा। अगर आप चोर हैं तो आप चोरी की बात करेंगे और उसी को कहेंगे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, अगर आप अच्छे हैं ईमानदार हैं तो अच्छे लोगों को पसंद करेंगे उनकी बात करेंगे। तो जैसा होगा वैसे ही समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को क्या कहते हैं, सराहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा, ऐसा ये जो कहावतें कही गई हैं उसका ये क्या होगा अर्थ होगा, सीधा सीधा विशेषीकृत अर्थ में थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ, यूपी बीएड परीक्षा ये 2009 में पूछा गया है, यानी बीएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक अनार, अच्छा एक अनार है ठीक है, 100 बीमार है, अब क्या होगा, एक वैद्य अनेक बीमार होगा, देख लेते हैं। एक अनार 100 बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, अच्छा महामारी के दिनों में दवाओं की कमी ये तो होगा ही नहीं, खत्म इनकी कहानी। किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना यह भी नहीं, एक अनार तो है ना, एक अनार है तो किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना यह तो होगा ही नहीं, एक अनार है 100 बीमार है, अनार एक है तो एक वैद्य अनेक बीमार यह सामान्यीकृत हो गया, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, यानी एक अनार है और 100 बीमार है तो यानी मांग जो है अधिक है और पूर्ति क्या है कम है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 कह रहे हैं, 3 दिन मेहमान चौथे दिन है हैवान, 3 दिन मेहमान चौथे दिन है हैवान का अर्थ बताइए, एसएससी अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा गया है। देखिए 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, यानी 3 दिन मेहमानी कर रहे हैं चौथे दिन हैवानियत की तरह आपके साथ, तो प्रयोग ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, ये तो नहीं रहना चाहिए तो बात है, लेकिन किसी को कहीं नहीं रहना चाहिए दामाद, क्यों 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान की जब बातें हो जा रही, यानी इसको खत्म करिए। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है इनको भी समाप्त करिए। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, अरे अनादर तो हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, इनको भी आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, यानी आतिथ्य जो है आप जब मेहमानी करते हैं तो ये थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, बहुत ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। सांकेतिक रूप से यह अर्थ बताया जाता है आपको, ये नहीं है बस उसी को उठा करके आप जो है उसी की व्याख्या कर दीजिए, तो आप आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है उसका अर्थ आपको निकालना है, यानी अर्थ बताना है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चलिए खोदा पहाड़, पहाड़ खोद रहे हैं निकल क्या रही है, चूहिया निकल रही है, अच्छा तो परिश्रम करने पर कुछ न मिलना ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि परिश्रम कर रहा है तो कुछ तो मिल रहा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पहाड़ खोद रहा है चूहिया निकल रही है, यहां कह रहे कुछ ना मिलना ये खत्म हो जाएंगे, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना ये भी खत्म होना, क्योंकि पहाड़ खोद रहा है, परिश्रम अधिक और फल कम, कम परिश्रम करके बहुत मिलना ये भी नहीं हो रहा है, क्यों कम परिश्रम करके कहां परिश्रम अधिक कर रहा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया निकल क्या रही चूहिया, तो परिश्रम अधिक कर रहा है और फल इसका क्या हो रहा है कम मिल रहा है, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम या लाभ कम होता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, निम्नलिखित कहावतों का सही अर्थ बताइए। क्या है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। अच्छा, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। आरआरबी इलाहाबाद अकाउंटेंट असिस्टेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया है। चूहे के चाम से, चूहे का चाम ही कितना होगा आप जान ही रहे हैं, बड़ा भारी भरकम होता है, नगाड़े नहीं मढ़े जाते। भाई चूहे के चाम से कैसे आप नगाड़ा मढ़ेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। तो अब देखिए कंजूसी करना, इसमें क्या कंजूसी कर रहे हैं, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मढ़िया ही नहीं जाएगा। ठीक है, सीमित साधनों से काम चलाना, यह भी नहीं आप कर पाएंगे कि सीमित साधन से क्या करेंगे आप काम चला लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तब क्या करेंगे आप, छोटे होकर बड़ा काम करना, अच्छा इसको भी देख लेते हैं, और सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसमें क्या है, छोटे होकर बड़ा काम नहीं मढ़े जाते, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो मढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो छोटे होकर बड़ा काम करना, इनका भी काम समाप्त। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, यानी सीमित साधन है उससे आप चाहिए बहुत बड़ा काम कर लें तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा कंजूसी, यानी आप थोड़ा सा, मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेज है और ऑनलाइन क्लासेज में हम आपको थोड़ा सा मेरे साथ चलना पड़ेगा तो आप जो है बेटर कर पाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेज में पूरा प्रयास होता है, हम लोगों का तो पूरा प्रयास होता है कि पूरा का पूरा आपको बातें समझ में आ जाए। अगर कभी भी ऐसा होता नहीं है, वैसे क्लास में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कभी लगता है तो थोड़ा सा आप वार्तालाप कर सकते हैं, तभी भी समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपने से प्रयास कर लेंगे तो आपके लिए मेमोरी में वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और उसका प्रयोग जहां चाहेंगे वहां हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन लोक से मथुरा न्यारी, अच्छा तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी तीनों लोक से मथुरा क्या है। अब तीन लोक से मथुरा जब न्यारी कह रहे हैं, एक तो तीनों लोक वैसे भी न्यारा है कहा जाता है, अब कह रहे हैं तीन लोक से मथुरा न्यारी, उससे बढ़िया तो तीन लोक से मथुरा ही है, तो कुछ ना कुछ लोचा है इसमें। बहुत सुंदर होना ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर की वस्तु सुंदर लगना ऐसा कुछ भी नहीं है, कृष्ण भक्त होना यह भी नहीं है। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, क्या कर रहे हैं भाई, तीन लोक से आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि कह रहे हैं ना तीनों लोक तो बेकार है, इससे बढ़िया तो मथुरा है, मथुरा न्यारी है। आप किसी की प्रशंसा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तीन लोक से जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना कि ये क्या होती है, तीन लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है, अगले पर चलें, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या ये कहते हैं। हाँ, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है। ये रेलवे परीक्षा 1997 में पूछा गया है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, मांग क्या रहा है भीख, ये तो क्लियर है, पूछ रहा है गांव की जमा क्या है, यानी भीख मांग रहा है लेकिन जमा गांव की जमा पूछ रहा है। भीख मांग रहे हैं तो गांव कितना, गांव की कितनी चौहद्दी है, कितने किसके पास क्या है, भिक्षावृत्ति कर रहे हो, दो वक्त की अपने भोजन का जुगाड़ कर रहे हो और गांव की जमा पूछ रहे हो, तो अपनी असलियत भूल कर बात करना, अच्छा भीख मांग कर गुजारा करना ये तो होगा नहीं, ग्राम समाज की भलाई करना खत्म इनकी का, इनमें से कोई नहीं है वैसा, अपनी असलियत भूल कर बात करना, क्या कर रहे हैं अपनी असलियत आप भूल जा रहे हैं, मांगे भी और पूछे गांव की जमा, अपनी असलियत भूल करके और आप बात कर रहे हैं कि उस असलियत को आपको जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमको अपनी बात करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ऐसा काम करेंगे तो आप समाज में समृद्धि भी होगी, आपकी मान और प्रतिष्ठा श्लाघा और सभी बने रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा काम नहीं करते हैं, काम कर सकते हैं नहीं करते हैं, तो फिर आपके सम्मान में क्या होगी, गिरावट होगी, तुरंत आप पर कमेंट हो जाएगा कि अगर ऐसा काम आप करते हैं तो, अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो आपके सम्मान भी, यश और सम्मान कीर्ति बची रहेगी। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अच्छा
कुम्हार जो है अपना ही घड़ा सराहता है, यानी अपना घड़ा को सुंदर बताता है कि मेरा घड़ा क्या है, सुंदर है, अपनी ही प्रशंसा करना, चलिए, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, चलिए, किसी को बोलने नहीं देना, ये तो खत्म इनकी कहानी, दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना ये भी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो अपना ही सराह रहा है, तो अपनी ही प्रशंसा करना, देखिए थोड़ा सा माइनूट है, अपनी ही प्रशंसा करना, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपना घड़ा क्यों सराहता है, अपनी ही प्रशंसा करना नहीं, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, जो भी आप वस्तु बनाएंगे वो सबको क्या लगेगी, उसको अच्छी लगेगी, उसको तो अच्छी लगेगी भले ही दूसरों को, लेकिन अगर आप अपने स्वयं से जो काम करते हैं आपको अच्छा लगता है, या सबसे हमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह आपको सबसे अच्छा लगेगा, जैसे आपका बेटा कितना हो कुरूप हो, कितना हो दुष्ट हो, आप कुछ समय के लिए अन्य के बेटे को सराह देंगे, लेकिन ओवरऑल पुनः आप अपने बेटे को ही क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये कह दिया जाए कि भाई इसको भी दे दो 10-20 हजार रुपया दे दो, तो पुनः आप देने वाले नहीं है। तो अपनी बनाई हुई वस्तु, क्योंकि आप स्वयं उसका निर्माण किए, अपने बच्चे का स्वयं जो है आपने आविष्कार किया है, इसलिए आपको ऐसा होगा कि वही अच्छा लगेगा, तो अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ। यह UP SSSC है, मलेरिया इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 में यह पूछा गया है, ठीक है। न रहेगा बांस यानी बांसी रहेगी रहेगा तो बांसुरी बजेगी ही, न बजेगी बांसुरी कुछ ना होना ऐसा कुछ भी नहीं है, न रहेगा बांस सब कुछ हो जाने ये भी खत्म, बेशर्मी से कर करना ये भी खत्म, न कारण होगा न कार्य होगा, यानी जब कारण होगा ही नहीं तो कार्य होगा नहीं, बांस रहेगा ही नहीं तो बंसी बजेगी ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न कारण होगा न कार्य होगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11, 100 सयाने 1 मत, क्या बात है, 100 सयाने 1 मत, बहुत ही अच्छा ये लोकोक्ति है, 100 सयाने हैं, 100 सयाने हैं बात तो सही है, लेकिन क्या है, एक मत है, मत क्या है, एक है, कुछ भी निश्चय न कर पाना ये तो होगा ही नहीं, एक मत हो जा रहा है, ज्यादा चालाक बनना ये भी खत्म, चालाक बनने वाली बात नहीं है, अच्छे विचारों में भिन्नता कहां हो रहा है, 100 सयाने हैं जब एक मत हो रहा है, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, क्या होते हैं, एक से, जितने बुद्धिमान होंगे उनके विचार क्या होते हैं, एक से होते हैं, यानी 100 सयाने 1 मत, अगर इस पद्धति पर किसी का घर चलता है, किस कोई चलता है, तो निश्चित तौर पे वो क्या करेगा, विकास की अवस्था में चलेगा और उसकी उन्नति होना यह सुनिश्चित है। तो ये क्या करता है, हमको शिक्षा देता है, हमको क्या करता है, शिक्षा देता है कि आप इनसे कुछ सीख लीजिए और अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बन करके और आगे समाज को भी, अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज को भी ले चलिए। चलिए अगले चलते हैं, 12 नंबर, कह रहे हैं आंख नदीदा काढ़े कसीदा। अच्छा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, UP SSSC सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा सामान्य चयन परीक्षा 2015। अच्छा, ये बड़ा लंबा ये लिख दिए हैं, ये तो परीक्षा का नाम ही लग रहा है कि ये 1.5 लाइन में हो जाएगा। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, आंख न दीदा और काढ़े कसीदा, क्या बात है, कुछ है ही नहीं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ यह कसीदा मतलब कुछ व्यंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं, बहुत निपुण होना ऐसा है ही नहीं, कह ही नहीं रहे, साधन न होने पर भी काम कर लेना कहां पर, काढ़े कसीदा, यह तो कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। सर्वथा योग्य, यह भी खत्म, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना, ये यू मारा यह आ गया, योग्यता न रहने पर भी काम करने की बात करना, योग्यता है नहीं आंख न दीदा, जब है ही नहीं है तो क्या आप करेंगे, योग्यता न रहने पर हमें ऐसा आप जो है आप बगाड़ रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा कर दिया, अरे योग्यता पहले तो अर्जित करिए तब तो बात हो गई, तो योग्यता है नहीं फिर भी वो बोले जा रहे हैं, अपना बढ़ा चढ़ा करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आंख न दीदा काढ़े
कसीदा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। क्या बात है, पढ़े फारसी, ऐसा माना जाता है फारसी पढ़ने वाले थोड़े से फारसी का सेंस होता है पढ़ा लिखा। पढ़े फारसी बेचे तेल, अगर पढ़ा लिखा है तो तेल बेच रहा है, ये भी ठीक नहीं है। यह देखो कुदरत का खेल, यह कुदरत का कैसा खेल है कि ऐसा ही इस समय हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा ही नाइंसाफी हो रही है, गवर्नमेंट के तरफ से भी हो रही है और तमाम गवर्नमेंट ही इसमें सबसे ज्यादा दोषी है। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, वर्तमान समय तो यही चल रहा है कि जो परिस्थितियां हैं गवर्नमेंट की, जो निराशाजनक स्थिति है उससे तो यही लग रहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। यह मैंने कहा लोकोक्तियां हमेशा प्रासंगिक होंगी, परिस्थिति वह आएगी वे प्रासंगिक होंगी, कभी ये गलत नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये प्रयोग सिद्ध है। अब देखिए, शिक्षित होकर बेकार रहना, चलिए एक ही से मत आप लगा लीजिएगा, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, अच्छा विद्या का अपमान ये तो होगा नहीं। फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिक्षित होकर बेकार रहना इससे बेटर है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यानी पढ़े फारसी योग्यता तो है, शिक्षित होकर बेकार रहना, बेकार नहीं रह रहे हैं, शिक्षित होकर बेकार रहना ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फारसी पढ़ा है लेकिन कर क्या रहा है, बेचे तेल, काम तो कुछ कर रहा है ना। अगर पढ़े फारसी कुछ ना करें तब तो समझ में आता है, लेकिन पढ़े फारसी बेचे तेल यानी यह देखो कुदरत का खेल, तेल बेच रहा है योग्यता होते हुए विवशता के कारण, कुछ ना कुछ विवशता है उसके सामने, निम्न स्तर का वह कार्य कर रहा है, इसलिए शिक्षित होकर बेकार होना यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है। बात सही है, एक हाथ से ताली, यूपी एसडीआई एग्जाम 2006। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अच्छा सराहना है तो दोनों ने ताली बजाई, खत्म कहानी, एक आदमी से काम नहीं चलता, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, कह रहे हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती तो शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, यानी ये क्या हो जाएंगे आपके, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती, एक हाथ से, जैसे मान लीजिए एक हाथ है और आप जो है ऐसे करिए तो ये कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, भले ही क्यों ना यह हाथ कांस्टेंट है, स्थिर है, अगर यह हाथ रहेगा तभी ताली बजेगी। अब यह बात है कि यह स्थिर है, इसकी गलतियां कुछ नहीं है, लेकिन खड़ा है बस इतना ही है तो ताली बजेगी, अब यह भी कुछ कर देगा तो और ताली बज जाएगी, लेकिन एक हाथ से अगर इस हाथ को हटा लिया जाए, यह कहा जाए कि केवल एक की ही गलती है तो ऐसा नहीं हो सकता, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी शत्रुता जो होती है वो दोनों पक्षों की गलती से ही होती है, एक पक्ष की गलती से कभी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। कह रहे हैं हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, क्या बात है, हंसुआ का ब्याह हो रहा है भैया, खुरपी का गीत गाया जा रहा है, चलिए तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत काहे गा रहे हैं भाई, शादी का गीत गाना होगा नहीं, जश्न मनाना होगा नहीं, जब हंसुए के ब्याह होगा तो हंसुए गीत गाइए ना, काहे खुरपी गीत गा रहे हैं। असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना, यह भी होगा असंगत बातें करना, क्यों आप गलत काम कर रहे हैं, संगत बात क्यों कर रहे हैं, हंसुए ब्याह हो रहा है तो उसका गीत गाइए, खुरपी क्यों गीत गा रहे हैं, तो ये जो है असंगत बातें करना, यानी संगत बातें ना करना, असंगत बातें करना, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत रेलवे परीक्षा 1998 में पूछा गया है। ठीक है, तो समाप्त, यानी ये रहा आपका क्या, कुछ मैंने आपको लोकोक्तियां लिया या कहावतें लिया और उसको आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आप स्वयं से कैसे निकाल सकते। ठीक है, तो आप ये प्रयास करिएगा, मैं आप पढ़िए या ना पढ़िए इससे कोई ये नहीं है, लेकिन पढ़िए तो फिर मुझसे ही पढ़िए, काहे तब दूसरे से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। फिलहाल आप जो है स्वयं से निकालना यह सुनिश्चित करिए तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है,
और बाकी सभी सभी सूचनाएं आपको प्रसारित की जा रही हैं। हम लोगों के वहाँ यूपीटेट का बैच लॉन्च किया गया है, एडमिशन की प्रक्रिया ओपन है, आप अपनी सीट सुरक्षित कराइए। बेहतर प्लेटफॉर्म है और बेहतर आपको गुणवत्ता परक शिक्षा मिलेगी, ये मैं जानता हूं, और वही आपके लिए रामबाण है, वही आपको चाहिए भी, ठीक है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपको नंबर चल रहे हैं नीचे, उस नंबर पर आप फोन करिए और प्रक्रिया को जानिए। टेट नहीं कुछ करिएगा, टेट के बारे में ही कुछ जानिएगा, जानना कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन आपकी स्व इच्छा पर है, और लेना चाहिएगा तो लीजिएगा, लेकिन ये इस समय चल रहा है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर एडमिशन लेते हैं तो कम समय में बहुत ज्यादा आप ग्रहण करते हैं, और अच्छी तथ्यपरक और वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ एक अच्छा मार्गदर्शक भी आपको उपलब्ध होता है, जो अपने बेस्ट कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात आपसे होती है, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद।